हेलो गाइस, फाइनली ब्लडलाइन सीरीज का आखिरी पार्ट आई थिंक यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग आज करने वाले हैं रॉक, जो कि चैम्पियन बन चुके हैं लास्ट जो ब्लडलाइन सीरीज का मैच था। एंड वो बनने के बाद भाई यहाँ पर डिफेंड करेंगे फर्स्ट टाइम हिज टाइटल अगेंस्ट द फॉर्मर अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन रोमन रेंस। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है हमेशा की तरह। एंड यहाँ पर इस बार जो मैच है वो पार्टिसिपेट करने वाला है बहुत ही ह्यूमंगस स्टिपुलेशन में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो आप लोग एंड तक देखना, एंड चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आपको मेरे चैनल पर ऐसे लेटेस्ट और अमेजिंग जो वीडियोस है वो हमेशा देखने को मिलते रहे। तो आप लोग से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा दिखाओ आप लोग। एंड हम लोग आज यहाँ पर करने वाले हैं ब्लड लाइन सीरीज का मे बी आखिरी पार्ट। एंड यहाँ पर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा 2K15 का शोकेस, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोग को बताया था जिन लोगों ने देखा है ऑलरेडी, ठीक है। एंड यहाँ पर आज हम लोग करने वाले हैं इस चीज़ को स्टार्ट। तो यहाँ पर हम लोग भाई रॉक जो कि यहाँ पर डिफेंड करने वाले हैं अपना टाइटल अगेंस्ट द फॉर्मर चैम्पियन जो कि है भाई रोमन रेंस। एंड हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं रेसलमेनिया अरीना के अंदर, एंड इट विल बी रियली रियली ह्यूज। तो ये मैच हम लोग एक्चुअली करने वाले हैं एक्सट्रीम रूल्स स्टिपुलेशन या फिर यहाँ पर नो होल्स बार्ड मैच कर देते हैं। यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, नो डिस्क्वालिफिकेशन, एनीथिंग गोज, वन ऑन वन रेसलमेनिया 38। तो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं रॉक वर्सेस रोमन रेंस जो कि एक फाइनल मैच होगा। एंड यहाँ पर किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पर भाई मैच जो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंडिविजुअली मैच होने वाला है। तो यहाँ पर रॉक जो कि अपना टाइटल डिफेंड करेंगे अगेंस्ट रोमन रेंस जो कि एक फॉर्मर चैम्पियन है, एंड विद एन एंट्रेंस इस मैच को पूरा देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सेट कर दिया है, एंड यहाँ पर स्टार्टिंग में कोई फिनिशर किसी को मिलने वाला नहीं है। तो ओवरऑल तो यहाँ पर रोमन रेंस का बहुत ज़्यादा है, एंड 96 ओवरऑल है रॉक का। तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग करने वाले ये मैच, एंड ऑब्वियसली इस मैच में एक और स्टिपुलेशन है जो कि है भाई 2 out of 3 falls। एंड यही वो रीज़न है कि ये फाइनल मैच हो सकता है ब्लड लाइन सीरीज का। रॉक जीत जाते हैं तो भाई जीत ही जाएंगे क्योंकि यहाँ पर दो दो फॉल ऑलरेडी किसी ने भी बना लिया तो भाई वो मैच और ब्लड लाइन सीरीज को जीत जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पर ब्लड लाइन सीरीज में जो इतने भी मैचेस हुए हैं रॉक के एब्सेंस में एंड रॉक के एक ही प्रेजेंस में जो वॉर गेम्स का मैच हुआ है, तो यहाँ पर ब्लड लाइन सीरीज में बहुत सारा मैच यहाँ पर ऑलरेडी जीते हुए हैं जो कि रोमन रेंस है। रोमन रेंस ने काफ़ी मैच जीता हुआ है, एंड यहाँ पर पॉल हेमन भी रिंग साइड पर बैंड है। तो रिंग साइड पर पॉल हेमन भी बैंड है, एंड यहाँ पर इंडिविजुअली एक ही मैच में सिर्फ दो कंपटीटर्स जो रहते हैं वही रहेंगे जो कि रॉक और रोमन रेंस। तो यहाँ पर ब्लड लाइन सीरीज का ये एकदम फाइनल मैच होने वाला है, एंड ब्लड लाइन सीरीज को हम लोग फाइनली एंड करने वाले हैं यहाँ पर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अभी से आप लोग लाइक तो कर दो, एंड जितने लोग भी नए हो तो भाई रिक्वेस्ट है आप लोग से कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो ताकि आपको मेरे चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोग को जब भी अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन के ज़रिए आप लोग को अलर्ट हो जाए। एंड उसके लिए आप लोग को जो बेल नोटिफिकेशन है वो ज़रूर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम लोग का ट्राइबल चीफ जो कि रोमन रेंस है
वो यहाँ पर रिटर्न सॉरी रिटर्न बोल रहा हूँ यहाँ पर वो एंटर हो रहे हैं रेसलमेनिया के अरीना में एंड ये मैच होने वाला है नो होल्ड्स बॉर्ड इनटू टू आउट ऑफ थ्री फॉल्स मैच। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टिपुलेशन मैंने ऐड कर दिया इस मैच में एंड ऑब्वियसली इसमें बहुत कुछ हो सकता है इस मैच में अगर पिछले बार की तरह रोमन रेंस नहीं यहाँ पर ऐसा हो तो। एंड द चैम्पियन रॉक का एंट्रेंस होना भी बाकी है तो देखते हैं एंट्रेंस यहाँ पर काफ़ी अच्छे से क्योंकि ये फाइनल पार्ट है ब्लडलाइन सीरीज का मैच क्योंकि टू आउट ऑफ थ्री फॉल्स मैच है तो यहाँ पर एक और मैच बनाने से अच्छा मैंने टू आउट ऑफ थ्री फॉल्स विद नो होल्ड्स बॉर्ड का स्टिपुलेशन ऐड कर दिया है मैच में तो ऑब्वियसली बहुत मैच हैवी होने वाला है या फिर स्क्वाश भी कर सकते हैं रॉक एंड होपफुली यहाँ पर विनर हमें एक्सपेक्टेड जो कि द रॉक है वही देखने को मिले मेरे एक्सपेक्ट जो कि लास्ट वीडियो में भी मैंने एक्सपेक्ट किया था रॉक जीतेंगे एंड भाई रॉक ने स्क्वाश कर दिया मैच को एंड रोमन ने इसको इजीली डिफीट कर दिया विद थ्री रॉक बॉटम्स। तो अभी हम लोग को यहाँ पर देखना है कि रॉक अपना फर्स्ट टाइटल डिफेंस यहाँ पर करने वाले हैं अगेंस्ट रोमन रेंस द बिग ट्राइबल चीफ द रॉक द बिग समोआ। ऑब्वियसली रॉक का प्रेजेंस जब भी होगा अगर WWE पे अगेंस्ट रोमन रेंस तो बहुत ही ह्यूज होने वाला है विद टाइटल द रॉक with his logo the Brahma Bull the Rock is great first title defense so finally Rock ने वो title हासिल कर लिया है Roman Reigns से। अगर real में भी ऐसा होता है तो काफ़ी interesting होने वाला है but मुझे chances बहुत कम ही लग रहा है क्योंकि पिछले ही WrestleMania में आने वाले थे इस बार के WrestleMania में तो भाई नहीं आए लेकिन होपफुली अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इवन इनके पास इतना भी वक्त नहीं है जो अपना अभी का जो रॉक का जो लुक है एंड जो बॉडी जो फ़िलहाल जो फिजिक्स में थोड़ा आउट हुआ है उस पर आ जाए तो भाई एक बार अगर वो आ जाते थे तो गेम में अपीयरेंस का थोड़ा जो नया लुक है वो आ जाता तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। फिलहाल यहाँ पर अनाउंसमेंट देख लेते हैं क्योंकि ये फाइनल पार्ट होगा ब्लड लाइन सीरीज का मैच में एंड ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग ब्लड लाइन सीरीज को एंड ही करने वाले हैं एंड रोमन रेंस यहाँ पर रेडी हैं रॉक भी रेडी हैं एंड भाई टाइटल पर देखो रॉक का लोगो यहाँ पर काफ़ी ह्यूमंगस लग रहा है यहाँ पर टाइटल रेज करेंगे रॉक विन हिज हैंड अनडिस्प्यूटेड WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। यहाँ पर रॉक रेडी है एंड रोमन रेंस भी रेडी है एंड मैच इज बिगिन वेरी सून। यहाँ पर टाइटल रेज करेंगे मैंने शॉट भी ले लिया। इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो कर लेना जो भी मैचेस का अपडेट है वो आप लोग को मिलते रहेगा इंस्टाग्राम में एंड ट्विटर पर भी तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाकर अभी से आप लोग फॉलो कर सकते हो एंड फॉलो तो ज़रूर कर लेना क्योंकि फॉलो करोगे तभी आप लोग को जो अपडेट्स है वो मिलती रहेंगी क्या क्या वीडियो आने वाला है नेक्स्ट अप उसके लिए आप लोग को अपडेट चाहिए तो इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर फॉलो कर लेना। एंड भाई रोमन रेंस स्वाइप अप हो गए यहाँ पर चकमा दे रहे हैं यहाँ पर रोमन रेंस को लेकिन यहाँ पर रॉक यहाँ पर स्टील स्टेप्स उठा चुके हैं पिछले बार के मैच की तरह
एंड यहाँ पर नो डिस्क्वालिफिकेशन, एनीथिंग गोज, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है मैच में, क्योंकि इस मैच में कोई रूल्स ही नहीं है एंड हो सकता है कोई इंटरफेरेंस भी कर जाए, ऐसा हो तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड नेक ब्रेकर बाय द रॉक, रोमन रेंस बहुत जल्दी पिनफॉल करने की कोशिश, बट किक आउट एट सिंगल काउंट। यहाँ पर एक ही यहाँ पर यहाँ पर दो फॉल, यहाँ पर कोई एक सुपरस्टार को गेन करना पड़ेगा ताकि मैच में जीत जाए। पर रॉक पिछले मैच की तरह यहाँ पर रोमन रेंस को जो है बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे है भाई, मैंने कहा आप लोग को स्क्वाश कर सकते हैं मैच में, एंड वही कर रहे हैं भाई। यहाँ पर स्मॉल पैकेज होल्ड पर रोमन रेंस ने होल्ड किया रॉक को, बट किक आउट एट सिंगल। भाई रोमन रेंस का हेल्थ तो देखो यहाँ पर कितना जल्दी रॉक ख़त्म कर दे रहे हैं भाई, रॉक टिक ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पर, रोमन रेंस टिक ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पर रॉक के अगेंस्ट। दैट्स द पावर ऑफ बिग समोआ, रॉक अगर आ भी जाते हैं रियल लाइफ में भी तब भी जो है बहुत इंटरेस्टिंगली मैच को ख़त्म कर देंगे। भाई रोमन रेंस ने रिवर्स कर दिया एंड यहाँ पर स्पीयर के लिए जा रहे हैं, ओ माय गॉड स्पीयर लग गया भाई स्पीयर रॉक को, एंड फाइनली पहला स्पीयर लगा है रॉक को। 1-2 किक आउट बाय द रॉक, देखें यहाँ पर कितना देर टिक पाते हैं रॉक, क्योंकि यहाँ पर रोमन रेंस ने कंट्रोल ले लिया है अपने हाथ पर, एंड रॉक को अगर मौका मिल जाता है तो यहाँ पर फिर से भाई मौका मिल सकता है रॉक को, क्योंकि ऑब्वियसली एक स्पीयर ओ रिवर्स बाय रोमन रेंस। यहाँ पर रोमन रेंस बिल्कुल यहाँ पर रेडी, मतलब बहुत इंटेंशनली बहुत धो रहे हैं यहाँ पर रॉक को, एंड इंटेंशनली पूरा बना चुके हैं अपना मेंटलिटी कि यहाँ पर अपना जो टाइटल है वो वापस ले सके द रॉक से। तो ये देखना है कि भाई कितना हो पाता है ये चीज़ सच। एंड यहाँ पर DDT लगा दिया है भाई द रॉक ने, एंड रोमन रेंस भी पूरा फुर्ती में यहाँ पर उठ रहे हैं एंड टर्न बकल पर ले जा रहे हैं यहाँ पर विद ए स्नेक आइज टू द टर्न बकल, एंड रॉक स्टिल अभी कुछ और चीज़ के लिए यहाँ पर देख रहे हैं। 2 out of 3 फॉल्स मैच है तो बहुत ही क्या बोले नॉन प्रिडिक्टेबल मैच है, जहाँ हो सकता है कि कंट्रोल कोई भी मैच में ले सकता है बीच में। स्टील स्टेप्स से तो बहुत धो रहे हैं यहाँ पर रॉक रोमन रेंस को, लेकिन अब देखना है कि भाई मैच में कैसे वापसी करते हैं रॉक। फिलहाल तो रोमन रेंस के पास पावर है क्योंकि एक स्पीयर जड़ चुके हैं रॉक को, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर रॉक है स्टिल बने हुए मैच में, एंड आउट ऑफ नो वेयर माय गॉड रॉक बॉटम यहाँ पर लगा दिया है एंड किक आउट। रेजिलेंस यूज करना पड़ गया भाई रोमन रेंस को यहाँ पर, मे भी यहाँ पर रॉक पहला फॉल के बहुत नज़दीक ही थे, एंड यहाँ पर पीपल्स एल्बो लगा सकते हैं भाई, ओ माय गॉड स्पाइन बस्टर, पीपल्स एल्बो के लिए बिल्कुल रेडी है यहाँ पर, लेकिन पिनफॉल कर रहे हैं यहाँ पर। लो ब्लो भी आ चुका है रोमन रेंस के पास, किक आउट कर दिए भाई रोमन रेंस, फिनिशर आ चुका है भाई यहाँ पर, रोल आउट हो गए हैं रोमन रेंस। हार्डली यहाँ पर हो सकता था कि मैच में हारने के डर से विथ बेली टू बेली टू द ग्राउंड, यहाँ पर रॉक अगर कंक्रीट ग्राउंड पर अगर एक फिनिशर लगा दे तो मे बी रोमन रेंस का हाल और भी बुरा हो सकता है, या बदतर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच जा रहा है भाई, अभी तक यहाँ पर रॉक यहाँ पर लुक यहाँ पर अनाउंस टेबल तोड़ने पर यहाँ पर लग रहे हैं यहाँ पर
थक गए भाई दोनों सुपरस्टार्स। रॉक फिलहाल रोमन रेंस को बहुत ज़्यादा पीट चुके हैं, एंड भाई एक और रॉक बॉटम, ये तीसरा रॉक बॉटम है, एंड एक फॉल आई थिंक यहाँ पर मिल जाएगा रॉक को। तो भाई एक पॉइंट बना लिया है रॉक ने, एंड रोमन रेंस जो कि यहाँ पर मैच में पूरी तरीके से डैमेज खा चुके हैं रॉक से फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। रॉक द बिग समोअन रिटर्न्स एंड ही स्क्वाश द टाइटल रेंस ऑफ रोमन रेंस सो इजीली। अरे भाई रिवर्स कर दिया रोमन रेंस ने, होगा क्या अभी ये देखना है हम लोगों को। एंड विथ ए स्कूप स्लैम पिन फॉल रॉक वन किक आउट एट वन ओनली। यहाँ पर क्या सिली थिंग यहाँ पर कर रहे हैं रोमन रेंस, एंड जो रॉक है ओ टर्निंग पॉइंट, थोड़ा भी मौका यहाँ पर रॉक नहीं दे रहे हैं भाई रोमन रेंस को। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर पोल सेक्शन भी मैंने दिया हुआ था जहाँ पर रॉक को ज़्यादा वोट मिला था, एंड भाई वाओ द रॉक यहाँ पर इजीली विद ए टू फॉल रोमन रेंस से जीत चुके हैं भाई, एंड ही स्टिल वन द मैच सो इजीली। सो इजीली इस मैच को जीत लिया रॉक ने, एंड ही इज स्टिल ए अनडिस्प्यूटेड WWE चैम्पियन। माई गॉड क्या इंटरेस्टिंग पार्ट रहा यहाँ पर इस मैच में, एंड द रॉक इज द चैम्पियन। वाओ भाई वीडियो कितना अच्छा लगा आप लोग को मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना, एंड न्यूली कुछ थिंकिंग है आप लोग के माइंड में तो उसे भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं वीडियो आप लोग को जल्द से जल्द उसके ऊपर ये टॉपिक के ऊपर बना के दे दूँगा। तो भाई यहाँ पर रॉक सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना टाइटल विक्ट्री अगेंस्ट रोमन रेंस द बिग समोअन विद ए ह्यूज स्क्वाश टू द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, एंड होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा ये ब्लड लाइन सीरीज जितना भी सीरीज का आया था। तो अगर इसको आप लोग प्लेलिस्ट के थ्रू देखना चाहते हो तो देख सकते हो, प्लेलिस्ट तो फिलहाल बनाया नहीं है, कमेंट सेक्शन में बता देना मैं प्लेलिस्ट आप लोग को ऐड कर दूंगा सीरियल वाइज वीडियो का, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर एंड बाय।